नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम बात करेंगे स्वर यंत्र या लेरिंग्स के बारे में। ये लेरिंग्स कौन कौन सी स्ट्रक्चर से मिलके बना हुआ होता है और इस टॉपिक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लेरिंग्स। देखिए, लेरिंग्स इसी को कहते हैं स्वर यंत्र, इसी को कहते हैं कंठ, इसी को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। आपके एग्जाम के लिए लैरिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। पहले इसकी लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो देखिए, एक डायग्राम में यहां पर बना देता हूं। ये देखिए, देखिए ये देखिए हुआ क्या, ये नेजल पैसेज है, नासापथ, ये मुख गुहा है, बक्कल कैविटी, और यहां पर दो नलिकाएं, इधर की तरफ ट्रेकिया, इधर की तरफ ईसोफेगस। ये कौन है? ईसोफेगस। देख ली, ये कौन है? ट्रेकिया। यहां पर इस ट्रेकिया के इस अग्रभाग पर यहां पर एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसी को कहा जाता है लैरिंग्स। देखिए ध्यान से, ये जो पूरा पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसको कहा जाता है फेरिंग्स या ग्रसनी। देखिए फेरिंग्स या ग्रसनी, क्लियर है? अब इस फेरिंग्स या ग्रसनी के दो भाग है, या इसको दो भाग में नहीं तीन भागों में बांटा गया है। यहां तक का जो पार्ट है जहां नेजल पैसेज के सामने है, इसको कहते हैं नेजो फेरिंग्स। देख लीजिए क्या है ये, नेजो फेरिंग्स। बक्कल कैविटी के जस्ट सामने वाला भाग है, इसको कहेंगे ओरो फेरिंग्स। ओरो, ओरो फेरिंग्स। देख लीजिए, और जो सबसे नीचे वाला भाग है जहां पर लेरिंग्स है, और इसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है लेरिंजो फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के तीन भाग है, कौन कौन से? नेजल पैसेज के जस्ट सामने वाला नेजो फेरिंग्स, बकल केविटी के जस्ट सामने वाला ओरो फेरिंग्स, और जहां पर लेरिंग्स है उसके आसपास वाला भाग लेरिंजो फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के लेरिंजो फेरिंग्स वाले पार्ट में क्या पाया जाएगा? लेरिंग्स पाया जाएगा। नेजो फेरिंग्स जो है उसके बारे में याद रखना है, ये देख लीजिए, इसमें चार छिद्र होते हैं। दो जो छिद्र है वो है इंटरनल नेजल पोर के, मैंने आपको बता रखा है। अंतःनासा छिद्र आकर कहाँ खुलेंगे? नेजो फेरिंग्स में। और दो जो छेद है वो किसके हैं? यूस्टेकियन नली का के, यूस्टेकियन नली का।
कहां से आती है यूस्टेकियन नली का? यूस्टेकियन नली का मिडल ईयर या मध्य कर्ण से आती है, जो ईयर ड्रम या कर्णपट का जो वायु दाब है उसको बनाए रखती है। तो ये नेजोफेरिंग्स में चार छिद्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो आपके सामने हैं। तो इस डायग्राम से मैंने आपको ये बताया है कि लेरिंग्स कौन से वाले लोकेशन पर है, कहाँ है, वो एग्जैक्ट आपको आइडिया रहे। ये जो फेरिंग्स है इसके बारे में एक जनरल क्वेश्चन ये भी है क्या कि देखो जब आप श्वास लेंगे तो यहां से आएगा और जब आप खाना खाएंगे तो यहां से आएगा, मतलब फेरिंग्स से गुजरेगा ही गुजरेगा। इसलिए फेरिंग्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, कॉमन पाथ ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये लोकेशन है किसकी? लैरिंग्स की। किसमें होता है लैरिंग? जो फेरिंग्स में। फेरिंग्स का मतलब है ग्रसनी, जो कॉमन रास्ता है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र के लिए। देख लीजिए, अब आगे देखते हैं। ये जो लैरिंग्स है ये कार्टिलेज या उपास्थियों का बना होता है। इन उपास्थियों के बारे में जानकारी देखिए, लैरिंग्स में उपास्थियां पाई जाती है, कार्टिलेज। अब यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आता है वो देखते हैं। पहली बात तो ये कि ये कार्टिलेज छह प्रकार की होती है, सिक्स टाइप कार्टिलेज। छह प्रकार की रहेगी और अगर टोटल नंबर की बात करें, टोटल संख्या की बात करें, तो टोटल कार्टिलेज कितनी हो जाएगी? नाइन। लैरिंग्स के अंदर छह टाइप की, सिक्स टाइप की उपास्थियां पाई जाती है। अब ये नो कैसे हुई वो देखिए, इसमें कुछ उपास्थियां कैसी होती है? अयुग्मित कैसी रहेगी? अयुग्मित, अनपेयर्ड कार्टिलेज। इसका मतलब ये सिंगल सिंगल ही रहेगी। और इसमें कौन कौन है? पहली है थायराइड उपास्थि, थायराइड उपास्थि। दूसरी है क्रिकोइड उपास्थि, और तीसरी है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। देख लीजिए, तीसरी जो है वो कौन सी है? एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। इन इनकी अगर संख्या बात करें कि थायरॉइड कार्टिलेज कितनी होगी? एक। क्रिकोइड भी कितनी होगी? एक। ये सब सिंगल सिंगल रहेगी। इधर की तरफ जो रहेगी वो है एरेटिनॉइड,
एरेटिनोइड उपास्थि। नेक्स्ट जो है वो है कार्निकुलेट, और इस कार्निकुलेट को कहते हैं कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। आराम से देखिए, और छह नंबर की है क्यूनिफॉर्म। ये देखिए, तो टोटल कितने टाइप की कार्टिलेज हुई? छह टाइप की। लेकिन इधर वाली जो कार्टिलेज है वो युग्मित होती है। ये कौन सी है? युग्मित उपास्थियां, मतलब ये पेयर में होगी, जोड़े में होगी। दो एरेटिनोइड, दो कार्निकुलेट और दो क्यूनिफॉर्म। तो छह तो ये हो गई और तीन ये हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लैरिंग्स में उपास्थियों की संख्या, नंबर ऑफ कार्टिलेज, तो आपका जवाब होगा नाइन। लेकिन टाइप ऑफ कार्टिलेज पूछा जाए तो छह प्रकार की ये आपके सामने है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि ये दोनों जो कार्टिलेज है ये है हाइलाइन प्रकार की। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके के पूछे जाएंगे दोस्तों। थायराइड कार्टिलेज और क्रिकोइड कार्टिलेज का टाइप कौन सा है? हाइलाइन। अरेटिनोइड भी किस टाइप की उपास्थि है? हाइलाइन प्रकार की उपास्थि। बाकी बची हुई जो उपास्थियां हैं उनका कलर भी मैंने यही रखा है। ये वाली कौन सी है? येलो इलास्टिक। फाइब्रस कार्टिलेज। देखिए, और ये दोनों भी किस प्रकार का कार्टिलेज है? येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। एकदम क्लियरिटी के साथ मैंने आपको सभी कार्टिलेज के बारे में बताया है, सबके नाम, संख्या और किस प्रकार का कार्टिलेज है। अलग अलग प्रकार की उपास्थियां होती है, जिसमें अयुग्मित उपास्थियों में पहली दो वाली जो है वो हाइलाइन, और युग्मित या पेयर्ड उपास्थियों में एरेटिनोइड हाइलाइन। बाकी दोनों यहां पर कौन सी है? येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज, और एपिग्लोटिस इधर की तरफ से भी कौन सी है? येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज। देख लीजिए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं लैरिंग्स में कौन कौन सी उपास्थियां हैं उनके बारे में जानकारी, और अभी आपने देखा कि लैरिंग्स में जो उपास्थियां हैं उनको दो भागों में बांटा गया। एक है अयुग्मित उपास्थि, नाम से पता लग रहा है कि ये एकल रूप से रहेगी, और जो जोड़े में रहेगी उनको बोला जाएगा युग्मित उपास्थि, पेयर्ड कार्टिलेज। अयुग्मित उपास्थि में कौन कौन है? उसमें पहले नंबर पर है
थायराइड कार्टिलेज या थायराइड उपास्थि, देख लीजिए। थायराइड कार्टिलेज के बारे में पहली बात यह है कि ये इन सब में सबसे बड़ी उपास्थि है। ये जो नौ उपास्थियां आपके सामने हैं, उन सब में सबसे बड़ी कार्टिलेज, आपसे पूछा जाए लेरिंग्स की सबसे बड़ी कार्टिलेज कौन सी है, तो थायराइड। अगर इसका आकार देखा जाए तो ये सी शेप होती है, देख लीजिए। और ये सी शेप, अगर आप इसको वेंट्रल सरफेस से देखेंगे तो ये क्लोज्ड, और डोर्सल सरफेस से देखेंगे तो ओपन होते हैं। देखिए ऐसे सी शेप, अगर आप इधर से देखेंगे तो बंद और इधर से देखेंगे तो खुला रहेगा। दोस्तों ट्रेकिया में जो सी शेप रिंग होते हैं ना, वैसा ही इसका लोकेशन है। वहां पर भी जो सी शेप रिंग है वो अधर भाग से बंद और पीछे की तरफ से क्या होते हैं, खुले रहते हैं। तो ये दो बातें थायराइड उपास्थि के लिए आपको याद रखनी है। दूसरी है क्रिकोइड उपास्थि। क्रिकोइड उपास्थि, ये जो क्रिकोइड उपास्थि है, इसका जो शेप है वो रिंग जैसा होता है, सिग्नेट रिंग शेप, ये याद रखना। तीसरे नंबर पे है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया का जो छेद है ग्लोटिस, उसको ढकता है। और ये एपिग्लोटिस कौन सा कार्टिलेज है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज, देख लीजिए। अब देखते हैं युग्मित उपास्थियों में, और युग्मित उपास्थियों में है एरेटिनोइड। और नेक्स्ट कौन है, कॉर्निकुलेट। कॉर्निकुलेट का दूसरा नाम क्या है, कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। और नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म। देख लीजिए क्या होगा, ये आपके पास क्रिकोइड है, रिंग या सिग्नेट रिंग नुमा संरचना, इस पर पिरामिड के आकार की दो एरेटिनोइड उपास्थियां पाई जाती, और इन एरेटिनोइड के ऊपर गेंद जैसी, बॉल जैसी दो उपास्थियां पाई जाती है, जिसको कहेंगे कॉर्निकुलेट। और इनके ऊपर ट्राइंगुलर शेप जो उपास्थियां रहेगी, इनको कहा जाएगा यूनिफॉर्म। और ये कौन है, एरेटिनोइड, देख लीजिए। तो ये पेड उपास्थियां है कि छह जो उपास्थियां हैं उनकी संरचना कैसी होती है, कहाँ स्थित होती है, सब कुछ क्लियरिटी के साथ आपके सामने है। और एक बार फिर बता देता हूं, ये कौन सा कार्टिलेज है, एपिग्लोटिस, येलो इलास्टिक कार्टिलेज।
और इसी कार्टिलेज की ये दोनों उपास्थियां भी होती है। बाकी बचा हुआ जो है वो कौन सा कार्टिलेज है, ये दोनों और ये हाई लाइन कार्टिलेज। ये देखिए, तो कंप्लीट कार्टिलेज की जो डिटेल है वो आपके सामने है, एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम लेरिंग्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखिए इसे, दोस्तों लेरिंग्स को दो तरीके से देखेंगे। एक है जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप इधर की तरफ से लेरिंग्स को देख रहे हैं, यह है वेंट्रल व्यू। साइड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये वेंट्रल, ये डोर्सल, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर और साइड को लेटरल कहेंगे। तो इधर से देखा जाएगा तो कौन सा है, वेंट्रल व्यू, और इधर की तरफ से देखा जाएगा तो डोर्सल व्यू। लेकिन कुछ बुक्स में वेंट्रल व्यू को एंटीरियर व्यू भी बोला गया है, तो उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए लैरिंग्स के बारे में देखते हैं। लैरिंग्स, और लैरिंग्स का कौन सा व्यू, वेंट्रल व्यू, या इसी को कहा जाएगा एंटीरियर व्यू। देखिए इसके स्ट्रक्चर हम अच्छे से देखते हैं। ये हैं हाइओइड बोन, कौन सी बोन, हाइओइड बोन, हाइओइड बोन, लेरिंग्स का कौन सा व्यू है, वेंट्रल व्यू, देखिए यह है वेंट्रल व्यू ऑफ लैरिंग्स। यहां पर जो बोन आपको दिखाई दे रही है यह है हाइओइड बोन, देख लीजिए। ये जो कार्टिलेज आपको दिख रही है यह है थायराइड कार्टिलेज। कौन सी कार्टिलेज है, थायराइड सबसे बड़ी कार्टिलेज, हाइलाइन टाइप की कार्टिलेज और सी शेप, क्लियर है। देखिए यहां पर रिंग शेप, सिग्नेट रिंग नुमा जो कार्टिलेज है उसका नाम है क्रिकोइड, क्रिकोइड उपास्थि। एक एक उपास्थि के बारे में हम देखेंगे और ये आ गई है ट्रेकिया, और इस ट्रेकिया में सी शेप रिंग होते हैं जो वेंट्रल साइड से कंप्लीट दिखाई देते हैं और डोर्सल साइड से अधूरे दिखाई देते हैं। टी शेप रिंग जो वेंट्रल साइड से क्या होंगे, और ये भी किस प्रकार की कार्टिलेज है,
हाइलाइन कार्टिलेज है, सी शेप रिंग है ट्रेकिया में, वेंट्रल या अधर भाग से पूरे बंद और डोर्सल भाग से खुले हुए होते हैं। तो अभी वेंट्रल भाग है तो बंद पूरे दिख रहे हैं, ये क्रिकोइड है, ये थायराइड कार्टिलेज है। देखिए यहां एक लिगामेंट होता है, देखिए ये लिगामेंट हाइओइड बोन को थायराइड कार्टिलेज से जोड़ता है। क्या नाम है इसका? थायराइड लिगामेंट, थायराइड लिगामेंट। देख लीजिए इस थायराइड कार्टिलेज के जब वेंट्रल व्यू में आप देखेंगे तो यहां पर एक स्ट्रक्चर पाई गई है, एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है और इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल। आराम से देखिए ये एडम्स एप्पल जो संरचना है ये कहां होगी? थायराइड कार्टिलेज के वेंट्रल सरफेस पर। देखो इसके बारे में एक चीज और याद रखनी है कि एडम्स एप्पल एक हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसी के द्वारा इस एडम्स एप्पल की वृद्धि होती है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किसमें होगा? नर में, मेल में, और वो भी कब? एडल्ट मेल में। तो ये एडम्स एप्पल भी वयस्क नर में ही पाया जाएगा, एडल्ट मेल में ही पाया जाएगा, क्योंकि इसकी वृद्धि या ये सही तरीके से दिखाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही दिखाई देगा। तो आपको ये क्लियरिटी है कि एडम्स एप्पल फीमेल में नहीं पाया जाएगा, बच्चों में भी ये दिखाई नहीं देगा लड़कों में, और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा इसकी वृद्धि हो जाएगी और ये दिखाई देगा। तो एडम्स एप्पल कहाँ है? थायराइड कार्टिलेज के वेंट्रल भाग पर, ठीक है, एक उभरी हुई संरचना है यहां पर, इसी को एडम्स एप्पल कहते हैं। देखिए और यहां पर जो आपको दिखाई देगा वो है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। तो ये है वेंट्रल व्यू ऑफ लैरिंग्स, देख लीजिए ध्यान से। हाइओइड बोन, थायरोहाइओइड लिगामेंट, थायरॉइड कार्टिलेज, ट्रेकिया, ट्रेकिया के अंदर ये सी शेप रिंग जो वेंट्रल साइड से बंद और डोर्सल साइड से ओपन, ये क्रिकोइड उपास्थि, ये देख लीजिए। क्रिकोइड उपास्थि, सिग्नेट रिंग जैसे स्ट्रक्चर, और ये है एडम्स एप्पल। ये एडम्स एप्पल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही बनता है या वृद्धि करता है, इसलिए ये एडल्ट मेल में वेल डेवलप्ड या सुविकसित होगा। आराम से देखिए इस स्ट्रक्चर को, देखिए आगे चलते हैं।
वेंट्रल व्यू के बाद अब हम बात करते हैं डोर्सल व्यू या पोस्टीरियर व्यू के बारे में। इसको भी ध्यान से देखिए। अब हम पढ़ रहे हैं लैरिंग्स का डोर्सल व्यू। या ऐसे ही कहा जाएगा पोस्टीरियर व्यू। आराम से देखिए, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है हायोइड बोन, क्लियर है। डोर्सल पार्ट से आपको एपिग्लोटिस से पूरा दिखाई देगा। ये है एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस कौन सी कार्टिलेज है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज। के बाद नेक्स्ट जो है वो थायरॉइड कार्टिलेज। देखिए इधर की तरफ से ये ऐसी दिखाई देगी, और ये है थायरॉइड कार्टिलेज। यहां पर एक स्ट्रक्चर और दिखाई देगी रिंग शेप, ये देखिए, इसको कहेंगे ऐसे बना देता हूं ताकि रिंग अच्छे से दिखाई दे। ये क्रिकोइड उपास्थि, देख लीजिए आराम से, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस पूरी स्ट्रक्चर को ऐसे मिला देते हैं, ये देखिए, ये कौन सा व्यू है? डोर्सल व्यू। कौन कौन सी स्ट्रक्चर है? हायोइड, हायोइड बोन, सॉरी, क्या है ये? हायोइड बोन, ये कौन सी कार्टिलेज है? थायरॉइड कार्टिलेज। ये रिंग नुमा क्रिकोइड, और यहां से ये कौन है? ट्रेकिया। अब डोर्सल व्यू है तो जो सी शेप रिंग है वो अधूरे दिखाई देंगे, इधर से ओपन रहेंगे। ये है सी शेप रिंग। याद कीजिए ये कौन से कार्टिलेज के बने होते हैं? हाइलाइन कार्टिलेज, वेंट्रल भाग से क्लोज और डोर्सल भाग से अधूरे होते हैं, क्लियर है बात, देख लीजिए। ये जो कार्टिलेज है यह है एपिग्लोटिस, और एपिग्लोटिस कौन से प्रकार की कार्टिलेज है? येलो इलास्टिक कार्टिलेज, देख लीजिए। ये है डोर्सल व्यू, क्लियर है बात। अब एक चीज ध्यान रखिएगा,
देखिए, डोर्सल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहां एक ऐसी स्ट्रक्चर और दिखाई देगी और इसी को कहा जाता है थायराइड ग्लैंड। मानव शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, उसकी लोकेशन भी मैं आपको बता दिया। और जब डोर्सल भाग से आप थायरॉइड ग्लैंड को देखेंगे पीछे की तरफ से, तो यहां पर छोटी छोटी ऐसे दोनों तरफ स्ट्रक्चर होगी। कौन से में? डोर्सल में। और इनको कहा जाएगा पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्रंथियां। थायरॉइड ग्लैंड के डोर्सल भाग में चार छोटी छोटी ग्लैंड होंगी, ये डोर्सल में ही आपको दिखाई दी, देख लीजिए। सर वेंट्रल भाग में थायरॉइड ग्लैंड कहाँ दिखाई देगी, वो भी दिखा देता हूं। ये देखिए वेंट्रल व्यू, इस वेंट्रल व्यू में थायरॉइड ग्लैंड कहाँ दिखाई देगी, यहां ये थायरॉइड ग्लैंड। लेकिन वेंट्रल व्यू में आपको क्या नहीं दिखाई देगी, पैराथायरॉइड ग्लैंड, क्योंकि वो पीछे की तरफ होती है। क्लियर है बात? और ये कौन सा व्यू है? डोर्सल व्यू। लेरिंग्स की एक एक स्ट्रक्चर को मैंने आपको क्लियरिटी से समझा दिया है, कौन सी कार्टिलेज कहाँ है, कैसी दिखती है, एक एक चीज अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी हो। हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि टाइप कितने हैं, 6, और संख्या कितनी है, 9, इसका जरूर ध्यान में रखना है। देख लीजिए, तो आइए आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर के बाद एक चीज आप ध्यान में रखें, इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोकल कोड। स्वर तंतु, देखिए पहली बात तो ये थायराइड कार्टिलेज है, ये एरेटिनॉइड कार्टिलेज है, ये जोड़े में होती है। देख लीजिए थायराइड कार्टिलेज के आंतरिक भाग से ऐसे, ये कौन सी कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज। और ये कौन सी कार्टिलेज? एरेटिनॉइड कार्टिलेज। थायराइड के आंतरिक सतह से दिख भी रहा है, इंटरनल सरफेस से, और एरेटिनॉइड के ऊपरी सतह से, जो तंतुनुमा स्ट्रक्चर होगी उसी को कहते हैं वोकल कोड। क्लियर है बात? वोकल कोड कहां स्थित होते हैं ये आपको ध्यान में रखना है। अब संख्या की बात करते हैं, ये दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी, जो फर्स्ट पेयर है देख लीजिए, इनको एंटीरियर वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं या फॉल्स वोकल कॉर्ड भी कह सकते हैं या असत्य तंतु भी कह सकते हैं।
ये थोड़े तुलनात्मक रूप से मोटे और इनका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। दूसरा जो जोड़ी है, सेकंड पेयर वोकल कॉर्ड या इसको पोस्टीरियर वोकल कॉर्ड या ट्रू वोकल कॉर्ड या सत्य तंतु कहेंगे। ये तुलनात्मक रूप से पतले होते हैं और कौन से रंग के होते हैं? सफेद रंग। ये वोकल कॉर्ड के बारे में जानकारी, कहाँ होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं और कैसे होते हैं। फर्स्ट पेयर जो है वो मोटे होते हैं गुलाबी रंग के और सेकंड पेयर जो है वो पतले होते हैं सफेद रंग के। इन दोनों में से फोनेशन या ध्वनि उत्पादन का जो कार्य है वो सेकंड पेयर ही करता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ट्रू वोकल कॉर्ड। देख लीजिए, ध्वनि उत्पाद, फोनेशन। क्लियर है बात? देखिए आगे चलते हैं। एक चीज और याद रखनी है कि ये जो वोकल कॉर्ड है इनकी जो ग्रोथ है वो भी कौन से हार्मोन पर? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर निर्भर करती है। वोकल कॉर्ड की ग्रोथ कौन से हार्मोन द्वारा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा होती है। इस हार्मोन की वजह से ही, इसी कारण अगर आप नर में देखेंगे वोकल कॉर्ड मेल में तो वो लंबे व ढीले होंगे और मादा के जो वोकल कॉर्ड होए वहां टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, इसलिए छोटे व टाइट होते हैं। देख लीजिए, जब वोकल कॉर्ड छोटे और टाइट होंगे उस समय जब बहिर श्वसन द्वारा ध्वनि उत्पादन किया जाएगा तो इनके वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज्यादा। और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उनका पिच भी क्या होगा? ज्यादा। तो क्या कहते हैं? तारातुर। इसलिए फीमेल की वॉइस में पिच अधिक होती है। लंबे और ढीले होने की वजह से बहिर श्वसन के द्वारा, याद रखें आपको कुछ बोलना है तो श्वास बाहर निकालनी पड़ेगी, श्वास अंदर लेते हुए आप कुछ ज्यादा बोल नहीं सकते। क्लियर है? इसलिए बार बार बहिर श्वसन लिख रहा हूं मैं। ये जो होगा इनमें वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी और फ्रीक्वेंसी कम होगी तो तारत्व भी या पिच भी कम होगा। तो मेल वॉइस का पिच कम होता है और फीमेल वॉइस का पिच ज्यादा होता है। एक और चीज है लाउडनेस, कि लाउडनेस कम होती है फीमेल में और मेल की जो वॉइस है उसकी लाउडनेस ज्यादा होती है। देख लीजिए, क्लियर है बात? साउंड से रिलेटेड फ्रीक्वेंसी, पिच, लाउडनेस, इंटेंसिटी, इसका साउंड नाम से मैंने एक वीडियो बना रखा है,
उसे आप कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। अभी आपके एग्जाम में क्या चीज महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो वोकल कोड के द्वारा इस तरीके से पिच वेरी करेगी, अलग अलग होगी। देखिए आगे देखते हैं, एक बार देख लें आप इसे। चले आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं वोकल कोड की। क्लियर है बात? वोकल कोड जो सेकंड पेयर है वो ध्वनि उत्पादन में सहायक होता है। कैसे? जब आप श्वास बाहर निकालेंगे तो जो वायु आएगी उस वायु से इनमें कंपन होंगे, इस वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? साउंड प्रोड्यूस होगी। नॉर्मल कंडीशन में आप देखेंगे, सामान्य अवस्था में जब आप साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो जो वोकल कोड है वो ऐसे वी शेप दिखाई देते, ऐसे। लेकिन जैसे ही आप ध्वनि उत्पादन कर रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वोकल कोड ऐसे एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे और ये जो बीच में इनके कैविटी है इसको कहते हैं रीमा ग्लोटिडिस। देख लीजिए, वोकल कोड कैसे वृद्धि करते हैं, मेल और फीमेल में ये कैसे होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी आपके सामने है। सभी मेल के वोकल कोड लगभग सेम साइज के रहेंगे, सभी फीमेल के वोकल कोड लगभग सेम साइज के रहेंगे, फिर भी सब प्रत्येक व्यक्ति की आवाज अलग अलग क्यों होती है? उसके लिए आपको याद रखना है तीन जगह, फेरिंग्स, ग्रसनी, नेजल पाथ, नासापथ और बक्कल कैविटी, मुख गुहा। देखिए ये तीनों, इनकी साइज इसकी तरह काम करती है, अनुनादक की तरह काम करती है, रेजोनेटर की तरह काम करती है। केवल वोकल कोड या स्वर तंतुओं के आकार से ही बात नहीं बनेगी, आपकी ग्रसनी, आपके नासापथ और आपकी बक्कल कैविटी का साइज कैसा है उसी तरीके से आपकी ध्वनि या साउंड होगी। इसलिए इन तीनों भागों को अनुनादक या रेजोनेटर कहा जाता है। क्लियर है बात? तो दोस्तों इस पूरे वीडियो में मैंने आपको लेरिंग्स की लोकेशन बताई है, लेरिंग्स कौन कौन सी कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ होता है और प्रत्येक कार्टिलेज के बारे में जानकारी बताई है, लेरिंग्स का स्ट्रक्चर बताया है, वेंट्रल व्यू, डोर्सल व्यू, साथ में थायराइड ग्लैंड कैसी दिखाई देगी वहां से वो भी बताया है, और फिर है वोकल कोड से एग्जाम में किस तरीके की बातें पूछी जाएगी वो भी मैंने आपको बताई है। एक कार्टिलेज का हल्का सा काम जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो है कार्निकुलेट। इस कार्निकुलेट को क्या कहा जाएगा? कार्टिलेज ऑफ सेंटोरिनी। यह एपिग्लोटिस को ग्लोटिस के ऊपर लाने में या ग्लोटिस को बंद करने में मदद करती है। कौन सी कार्टिलेज? कार्निकुलेट, जो युग्मित उपास्थि है और किसकी बनी होती है? येलो इलास्टिक फाइब्रस कार्टिलेज की। तो दोस्तों ये था लैरिंग्स, स्वर यंत्र और उससे जुड़ी हुई सारी जानकारियां। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और बार बार रिवाइज करो और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाओ। थैंक यू।
धन्यवाद।